हाय गाइस, आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। मैं शरीफ चैनल वापस एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें आज हम वापस एक बार बात करेंगे अपने वर्क बे के चैप्टर 8 के बारे में। आज हम क्लियर करेंगे उसकी स्टेज 4। तो देखो यार, ये स्टेज हल्की सी टफ है, लेकिन हाँ, इसको अगर सही से करोगे, जैसे बताया वैसे करोगे, तो आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो देखो यार, अपन को ये तीन बिल्डिंग का मटीरियल, मतलब तीन बिल्डिंग्स लेनी है, मतलब बाकी मतलब तीनों टावर ही हैं। बिल्डिंग बोल दो, टावर बोल दो, जो मन हो बोल दो। तो देखो यार, उनका सीक्वेंस ये रहेगा लगाने का, और यहाँ पे पहले अपन सीक्वेंस लगा लेते हैं। हाँ, लग गया। उसके बाद अपन दो स्टोन टावर लगाएंगे आगे। कब, हाँ, कहाँ है स्टोन टावर? हाँ, आ गया। चलो स्टोन टावर, उसके बाद अपन थोड़ा वेट करेंगे, और यहाँ पे इस जगह पे अपन वो छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे अपना, ये जो भी हीरो है, मतलब तीनों में से कोई सा भी, मतलब तीनों में क्या, मतलब एक वो अपना हीरो छोड़ देना, यही वाला छोड़ना। मैं तो बोल रहा हूँ, क्या ही चांस लोगे, तीन ही, मतलब एक हीरो छोड़ना, सिर्फ एक हीरो छोड़ना, और कुछ T1 इन्फेंट्री छोड़ देना, और ये T4 तोपें यहाँ से, मतलब जैसे मैंने छोड़ी है, मतलब पहले शुरुआत से, मतलब शुरुआत में छोड़ी बिल्कुल लास्ट लाइन से, फिर जैसे जैसे बढ़ती गई, मतलब ऐसा छोड़ना है कि सारी तोपें इक्वल उसमें पहुँच जाएँ उसके पास। जब उसके पास पहुँच जाएंगी तो इतने के लगभग डैमेज दे चुकी होंगी। उसके बाद अपन को वेट करना है। उसके बाद इन लोगों को थोड़ा टावर से मरने देना है, मतलब जैसे ये आगे जाएंगे तो ये अपने रॉक टावर तोड़ेंगे और टावर के द्वारा मर भी जाएंगे, लेकिन अभी भी अपन को वेट करना है। जब अपना ये अभी एक, मतलब एक मोल जो है अपना एनिमी का जो मोल है, वो जब तक ये देखो काले कलर का आया छोटा सा, ये हीरो को बहुत तगड़ा डैमेज देता है भाई। तो अगर ये अगर इसमें इसमें मारने लग गया अपने रॉक टावर में, तो फिर अपन बिल्कुल मज़े में, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपन को मतलब एक हीरो छोड़ देना है, क्योंकि ये जो अपना ये है, क्या ही नाम है इसका, ये मॉन्स्टर है, तो ये अपना हीरो को कम डैमेज दे पाता है। तो वो मॉन्स्टर और बाकी ट्रूप्स आगे के उसको मारेंगे, और अपने पीछे से T4 Cs अपने सीधा बेस को हिट करेगी जाके। इसकी खासियत ही यही होती है T4 Cs की, कि सीधा बेस को हिट करती है, तो उससे अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। तो अब यार, इसके बाद से अपन को क्या करना है, वापस से थोड़ी देर होल्ड रखना है और पीछे के ये बिल्कुल सही करने हैं। अब यहाँ पे अपन को फिर से वही करना है, एक हीरो छोड़ना है, और लेकिन उसके पहले अपन एक मिसाइल छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सुन लो क्या करना है, अब अपन वापस से एक काम करेंगे, ठीक है। और वो काम क्या होगा कि पहले अपन एक बार, चलो और मिसाइल ही छोड़ लेते हैं। अब सुनो, अब आएगा मेन काम। अब यहाँ पे यार सुन लेना, वरना यहाँ से खेल हो जाएगा पूरा। अब अपन को T4 Cs छोड़नी है, और ऐसी छोड़नी है कि डायरेक्ट उसको हिट करे जाके। तो अभी देखो, अभी जो मॉन्स्टर है ना अपना, वो उसको मार रहा है अपना, किसको मार रहा है, हाँ मॉन्स्टर अपना, मतलब सीधा मेरे रॉक टावर को मार रहा है, तो मारने दो भाई, अपन टाइम लेंगे, पूरा अपना टाइम है अपने पास। और यहाँ पे यार, यहाँ पे मैं पहले सोचा था कि एक अपना हीरो छोड़ूंगा, उसके बाद वो सीज, मतलब T4 Cs छोड़ूंगा, लेकिन अगर मैं हीरो छोड़ने आता तो फिर सीज नहीं छूट पाती और टाइम एंड हो जाता। तो सीधा T4 Cs छोड़ देनी है, और वो सीधा बेस को हिट करेंगे। तो जैसे ही वो बेस को हिट कर लेंगे, तुरंत ही अपना काम बन जाएगा। देख सकते हो, बन रहा है अपना काम, बन रहा है और बन चुका है अपना काम। तो देखो यार, ये ऐसे बहुत आसानी से देखो स्टेज क्लियर हो जाएगी। तो यार बस यार, एंड करते हैं वीडियो यहीं पे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो लाइक और शेयर कर देना यार, शेयर कर देना। तो बस यार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।